दिल्ली की सभी 70 सीटों के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और इस चुनावी मुकाबले में सत्ता में काबिज आप बीजेपी और कांग्रेस के मुख्य रूप से मैदान में प्रत्याशी हैं। तो चुनाव में कुल 672 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दिल्ली के 1,47,86,382 मतदाता आज तय करेंगे कि दिल्ली की सत्ता पर कौन सी पार्टी काबिज होगी। चुनाव के नतीजे 11 फरवरी को आएंगे। हालांकि केसोर हवा का रुख बह रहा है, ये अपने आप में बेहद खास हो जाता है। ये 5 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, शाहीनबाग, निर्माण भवन, तुगलक रोड, कृष्णा नगर, जामिया। तो किस तरह से वोटिंग को लेकर सुरक्षा पुख्ता है, मतदाता घरों से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आज दिल्ली में वोटिंग शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं पोलिंग बूथों पर जमकर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। तो वहीं सुरक्षा के भी खास इंतजाम जो है वो पूरी तरह से किए गए हैं। तो ये तस्वीरों के जरिए भी आप देख रहे हैं चुनावी समर का माहौल की किस तरह से जो मतदाता है उनमें खासा उत्साह वोटिंग को लेकर देखा जा रहा है। शाहीनबाग, निर्माण भवन, तुगलक रोड, कृष्णा नगर, जामिया की ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और ना तस्वीरों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए लोग कितने एक्साइटेड हैं। तो इन 5 ही तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पोलिंग बूथों पर तैयारियां हैं, जहां देखिए मैं आपको बताऊं, आज जो चुनाव हो रहा है वो पहला चुनाव है जो देश में काम के नाम पे इस तरह से हो रहा है और शिक्षा, विशेषकर शिक्षा के नाम पे हो रहा है। दिल्ली के लोग आज काम पे वोट करने वाले हैं, शिक्षा के नाम पे वोट करने वाले हैं, अपने बच्चों के भविष्य के नाम पे वोट करने वाले हैं। उधर बीजेपी है जो नफरत, पैसा, इन सब के दम पे चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी है शिक्षा, बच्चों का भविष्य, इन सब पे चुनाव लड़ रही है। तो सर कितनी उम्मीदें रहेंगी कि किस तरह पूर्ण बहुमत से बहुत अच्छी सरकार बनेगी? थैंक यू। देखिए मैं तो दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ कि विकास के नाम पर ही वोट डालिएगा, मगर उस विकास के नाम पर जिन्होंने आपको अपने हाथों से छुआ हो और अपनी आंखों से देखा हो। देखिए हमारी 45 से ज़्यादा सीटें आएंगी और हमारी 11 तारीख को आप देखना दिल्ली में कमल खिलेगा। देखिए असली में जब जनता वोट करेगी तो इसलिए वोट करेगी कि घरों में गंदा पानी क्यों आ रहा है, सड़कें टूटी हुई क्यों है, DTC की बस क्यों नहीं खरीदी, पॉल्यूशन कम क्यों नहीं हुआ, एक भी अस्पताल क्यों नहीं बना, एक भी कॉलेज क्यों नहीं बना, एक भी फ्लाईओवर क्यों नहीं बना। और अगर आप कहते थे कि आपके पास एक पेन खरीदने की ताकत नहीं है और एक चपरासी रखने की ताकत नहीं है तो आपको दोबारा सत्ता में आना क्यों है, क्योंकि काम तो आप कर नहीं सकते, ये आपने रोज दिल्ली की जनता को बताया था। तो जनता बड़ी समझदार है, जनता 5 साल की चीटिंग के और धोखे का भी हिसाब किताब करने जा रही है। और इसी के ऊपर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अमित, फिलहाल ताजा अपडेट लेना चाहेंगे मतदान को लेकर, आखिर दिल्ली का मूड क्या? देखिए खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो ये निर्माण भवन की पोलिंग बूथ है। यहाँ पे सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, बीजेपी के दिल्ली प्रभारी श्याम जाजू, पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी अब से कुछ देर बाद वोट डालने के लिए आने वाले हैं। और इस पोलिंग बूथ पे सुबह 7 बजे ही खासतौर पर जो नए वोटर हैं, जो पहली बार के जिन्हें मतदान करना, ऐसे लोग जो है वो आ गए थे और उसके बाद फिर मतदान की शुरुआत हुई। और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला ये पोलिंग बूथ नहीं है, लेकिन VIP या VVIP पोलिंग बूथ जरूर से कहा जा सकता है। सिक्योरिटी की बात करें तो CISF के जवान, जो कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री और पहले SPG सुरक्षा दोनों के साथ में थी, तो CISF और CRPF के जवान जो हैं जो उनकी सुरक्षा करते हैं यहाँ पे आ चुके हैं। भारी संख्या में यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पे तैनात की गई है। अंदर जो है वो बाकायदा यहाँ पे लगातार जो है CISF के जवान जो है वो निगरानी कर रहे हैं। हमारे पीछे देखा जा सकता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो इस सीट से नई दिल्ली से रोहित सवरवाल, ये यहाँ पे आए हुए हैं। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी अब से कुछ देर बाद जब यहाँ पहुँचेंगी तो उन्हें ये रिसीव करने के लिए उनके साथ ये भी वोट डालने जाएंगे।
तो जाहिर तौर पे अभी लोगों में खास तौर पे उत्साह दिख रहा है, क्योंकि अब जो है यहाँ पे सीधी लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिख रही है, और हर कोई अपने वोटरों को बाहर निकालना चाहता है और अपने पक्ष में मतदान करना चाहता है। अब से कुछ देर पहले जब संगठन मंत्री बी.एल. संतोष से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि जनता देश और विकास दोनों के नाम पर वोट देगी। हालांकि पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामलाल ने जरूर वार किया और उन्होंने कहा है कि आज उन लोगों की दावों की पोल खुलेगी जो कि कागज ना दिखाने की बात करते थे, आज दिल्ली कागज भी दिखाएगी और कागज ना दिखाए जाने वालों की चोट पे वार करेगी। तो जाहिर तौर पर आज भी मतदान के दिन भी कटाक्ष जो है वो एक दूसरे पे जारी है। आखिर इस रण में किस ओर जो हवा का रुख है वो यहाँ पर बह रहा है, लेकिन अभी फिलहाल मतदान में लंबी लंबी कतारें मतदाताओं की हम देख भी पा रहे हैं, जैसे कि आप हमें लगातार दिखा रहे हैं पोलिंग बूथों की स्थिति। लेकिन अगर दिग्गजों की बात करें तो अभी तक कौन कौन दिग्गज अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं? देखिए ज़्यादातर लोग जो है वो लगभग अपने घर से बाहर निकले, जिन लोगों की टाइमिंग था, चाहे मैं दिल्ली में बीजेपी सांसदों की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, हर एक की टाइमिंग जो है वो 9 और 9:30 के बीच की है, यानी 9 से 9:30 के बीच में जो है हर कोई वोट डालने के लिए यहाँ पे आएंगे। हालांकि जिस पोलिंग बूथ की मैं बात कर रहा हूँ, निर्माण भवन की, जहाँ सोनिया गांधी, उनका टाइम लगभग 10:30 के बीच में जो है ये सारे लोग पहुँचेंगे। लेकिन बाकी के अन्य नेताओं की बात करें तो तमाम नेता जो है वो वोट कॉस्ट के निकल चुके हैं अपने घरों से 9:30 बजे के आसपास तक, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, रमेश भिदूड़ी बीजेपी सांसद, मनोज तिवारी जो कि यमुना पार में उनका वोट है, तो या बीजेपी महासचिव अरुण सिंह हो जो कि मयूर विहार फेस 3 में उनका वोट है। तो जाहिर तौर पर सारे लोग जो है वो अपने घरों से निकल चुके हैं और जिन लोगों ने वोट नहीं किया, आपसे कुछ देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि 9:30 बजे का टाइम जो है 9 से 9:30 के बीच में सारे VIP और VVIP का टाइम निश्चित है। जी बिल्कुल, मतदान तो लगातार जारी है और जैसे कि आप हमें बता भी रहे हैं कि काफी उत्साह जो है वो मतदाताओं में देखने को मिल रहा है, और इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लंबी लंबी कतारें जो हैं वो सुबह से ही पोलिंग बूथों पर देखने को अमित मिल रही है। हालांकि 11 को चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे कि आखिर किसके सिर पर ताज सजेगा और किसको हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर फिलहाल अभी बात करें, और जैसे कि आप हमें ग्राउंड स्तर की जो है वो पूरी तरह से जानकारी देते रहे, अगर अभी बात करें तो क्या जो मुद्दे यहाँ पर हवाई देखने को मिले थे उनका असर दिख रहा है मतदाताओं पर? जी बिल्कुल, देखिए हर कोई, जैसा मैं बता रहा था कि हर एक के दावे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि लोग विकास के नाम पे वोट देंगे, खासतौर जो शिक्षा की बात कर रहे हैं कि दिल्ली की शिक्षा में जिस तरह जो परिवर्तन हुआ है उसे लेके वोट देंगे। दूसरी तरफ बीजेपी भी पलटवार कर रही है कि क्यों आखिर कॉलेज नहीं बने, क्यों आखिर फ्लाईओवर नहीं बने, क्यों आखिर जिन जगहों पर पानी नहीं था वहाँ पानी नहीं पहुँचा। तो यहाँ पे जो है अपनी अपनी चीज़ें जो है अपनी अपनी दलीलें हर कोई रखना चाहता है, लेकिन पिछले 5 साल में जो खास तौर पे अरविंद केजरीवाल ने जो सरकार चलाई है, जो सब्सिडी दी है, उससे पहले लोग प्रभावित जरूर दिख रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि पिछले 4.5 साल तक अरविंद केजरीवाल यही कहते रहे कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने दे रही, प्रधानमंत्री उन्हें काम नहीं करने दे रहे, गृहमंत्री काम नहीं करने दे रहे, तो आखिरी 6 महीने में ऐसा क्या हुआ कि सारा कुछ काम होने लगा और बीजेपी वाले उन्हें रोक नहीं रहे हैं? जबकि आखिरी 6 महीने का वो वक्त है जब बीजेपी वाले खास तौर पर उन्हें रोकना चाहेंगे, और ऐसे में बीजेपी रोक नहीं रही है, तो ऐसा क्या हुआ जो अरविंद केजरीवाल लास्ट के 6 महीनों में विकास कार्यों के लिए उतारा है? तो जाहिर तौर पे यहाँ पे एजेंडा है, खास तौर पे बीजेपी भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार को टारगेट कर रही कि किस तरह लोगों को 4.5 साल तक गुमराह किया है और आखिरी 6 महीने में विकास की योजनाएं लागू करके जनता को कहीं ना कहीं लुभाना चाहते हैं। यहाँ पे चूंकि देशभक्ति की भी बात हो रही, शाहीन बाग की भी बात हो रही, हिंदू मुस्लिम की भी बात हो रही, तमाम सारे विकल्प है, लोग जो है हालांकि सिर्फ विकास की बात नहीं देश की बात भी करते हैं।
अन्य मुद्दों की भी बात करते हैं, हर एक के अपने अपने अपना अपना हर एक का मत है और उसी आधार पे लोग मतदान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज की कितनी परसेंटेज में मतदान होता है, क्या पिछली बार के रिकॉर्ड के इस बार मतदान मतदाता तोड़ पाएंगे, ये भी बड़ी बात होगी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से तैयारियां की है, लगातार लोगों को जागरूक किया है, यहाँ तक कि एक दर्जन से ज्यादा ऐसे पोलिंग बूथ है जहाँ पे QR कोड दिया गया है, जहाँ पे लोग जान सकेंगे कि आखिरकार वहाँ पे लंबी लाइनें हैं या वो आसानी से वोट कास्ट कर सकते हैं। बिल्कुल अमिताभ, आपने वोट परसेंटेज की बात जो यहाँ पर कर दी है, 9 बज चुके हैं, अभी तक कितना फीसदी मतदान हो चुका है, ताजा अपडेट लेना चाहेंगे फिलहाल आपसे। जी बिल्कुल, देखिए अभी चूंकि 1 घंटा मतदान का हुआ है, अब से कुछ देर में आंकड़े जस्ट चुनाव आयोग के आने वाले हैं, अब से 5 से 10 मिनट के अंदर जो है वो आंकड़े आ जाएंगे कि आखिर 8 बजे से 9 बजे तक यानी 1 घंटे में कितना मतदान हुआ। अभी तक अथोराइज रूप से ऑफिशियल रूप से आंकड़े नहीं आए, कुछ देर में आने वाले हैं, लेकिन जाहिर तौर पर ECI की पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराया जाए, लोगों को घरों से बाहर निकाला जाए, यहाँ तक कि जो लोग घर से निकलने में असमर्थ हैं उनके लिए भी वैकल्पिक साधनों की व्यवस्था की गई है और उन्हें घर से और पोलिंग बूथ तक लाने की व्यवस्था की गई है। तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से फुल मोड बनाया कि कैसे वोटिंग की परसेंटेज को बढ़ाया जाए, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर लोग कितना वोट करते हैं। जी चलिए अमित, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।